सिया और राघव जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट के बाहर निकले, तभी उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट के बाहर मीडिया और पुलिस की भीड़ लगी हुई है। पुलिस और मीडिया की इतनी भीड़ देखकर सिया ने घबराते हुए राघव का हाथ पकड़ा। तभी राघव ने सिया को संभाला और एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगा। जैसे ही राघव सिया के साथ एयरपोर्ट के बाहर आया, तभी आईपीएस सुमेर देशमुख राघव सिंघानिया के पास आया और नंदिनी त्रिपाठी के मर्डर के जुर्म में उसके हाथों में हथकड़ी डालते हुए राघव को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगा। तभी सिया ने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया और इंस्पेक्टर के आगे राघव को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन इंस्पेक्टर देशमुख राघव के हाथों को सिया से छुड़ाते हुए आगे बढ़ गया। राघव को अपने आप से दूर जाते देखा सिया की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। तभी राघव सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए सिया की तरफ देखा और उसे रोने के लिए मना करते हुए उसे घर जाने के लिए कहा। राघव की बात मानकर सिया सामने वाले ऑटो स्टैंड पर खड़ी ऑटो की तरफ जाने लगी। भी मीडियाज वाले दौड़ते हुए आगे आए और सिया के चेहरे के सामने अपना माइक लगाते हुए बोले, आप राघव सिंघानिया की वाइफ है ना? हमने सुना है राघव सिंघानिया ने बंदूक की नोक पर आपसे जबरदस्ती शादी की, क्या यह सच है? क्या आप जानती हैं उन्होंने अपनी दोस्त को क्यों मार डाला? मीडिया वालों ने एक साथ इतने सवालों की झड़ी लगा दी तो सिया ने परेशान होकर चिल्लाते हुए मीडिया वालों से कहा, राघव एक बहुत अच्छा इंसान है, उसने किसी को नहीं मारा। नंदू तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, तो वो उसे क्यों मारेगा? और रहा सवाल मुझसे शादी करने का, तो वो मेरा और राघव का पर्सनल मैटर है, उन सबसे आपका कोई लेना देना नहीं है। सिया आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही चुन्नीलाल और राघव सिंघानिया के बाकी सभी गार्ड वहां आ गए और सिया के चारों तरफ घेरा बनाकर उसे मीडिया की भीड़ से निकालते हुए अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठे और सिया को सिंघानिया मेंशन ले आए। सिया जैसे ही कार से उतरकर सिंघानिया मेंशन की तरफ देखने लगी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये कोई घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले के सामने खड़ी होकर सिया लगातार सिंघानिया मेंशन को निहारे जा रही थी। आज से पहले सिया कभी भी राघव के साथ सिंघानिया पैलेस नहीं आई थी। आज उसने पहली बार सिंघानिया मेंशन को देखा था। ये वही सिंघानिया मेंशन था जिसके बारे में कॉलेज में सभी लोग बात करते थे, लेकिन राघव ने कभी नहीं बताया कि वो ही उस सिंघानिया मेंशन का वारिस है। राघव ने कभी किसी के सामने अपने पैसों का घमंड नहीं दिखाया था और कॉलेज टाइम से ही वो अपने घर और घर वालों से दूर हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ रहता था। दरअसल जब राघव के पिता जिंदा थे तब राघव की उसके पिता के साथ ज्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि राघव की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिस वजह से राघव अपने पिता से नफरत करता था। लेकिन उसके पिता की राघव के अलावा कोई औलाद नहीं थी, इसलिए राघव के पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी राघव के नाम कर दी थी और ये सिंघानिया मेंशन भी राघव के पिता का दिया हुआ तोहफा था। धीमे धीमे कदमों से सिया सिंघानिया मेंशन के अंदर आ गई। मेंशन के अंदर आते ही सिया की नजरें मेंशन की दीवारों पर अटक गई, क्योंकि मेंशन की सभी दीवारों पर सिया और राघव की ही तस्वीरें लगी हुई थी। ये तस्वीरें कॉलेज टाइम की थी जब राघव और सिया एक साथ थे। मेंशन में चारों तरफ अपनी तस्वीर लगी हुई देखकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस राघव सिंघानिया को गलत समझकर वो उससे इतनी नफरत करती थी, उस राघव के दिल में बस सिया का ही नाम था। सिया इन तस्वीरों को निहार रही थी कि तभी उसके सामने काला कोट पहने एक आदमी आया। उस आदमी ने सिया के आगे झुकते हुए बोला, मिसेस सिंघानिया, मैं एडवोकेट राकेश मुखर्जी राघव सिंघानिया की बेल करवाने के लिए गया था, लेकिन उन लोगों के पास राघव सर के खिलाफ सीसीटीवी का सॉलिड प्रूफ है जिसमें राघव सर को आखिरी बार उस कमरे से निकलते देखा गया जिस कमरे में नंदिनी त्रिपाठी की डेड बॉडी मिली, इसलिए हम लोग चाहकर भी उनकी बेल नहीं करवा सकते। वकील की बात सुनकर सिया ने चौंकते हुए कहा, आप ये क्या कह रहे हैं वकील साहब, राघव की बेल नहीं होगी? क्या राघव की बेल करवाने का कोई रास्ता नहीं? हमारे पास कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हम राघव को वहां से बाहर निकाल सके। सिया की बात सुनकर वकील ने सलाह देते हुए कहा, हाँ एक रास्ता है मैम, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि नंदिनी के मर्डर के टाइम पर राघव सर वहां नहीं थे, तो मेरा मतलब राघव सर के जाने के बाद भी नंदिनी त्रिपाठी जिंदा थी, अगर ये साबित हो गया तो हम राघव सर की बेल आसानी से करवा सकते हैं। इतना सुनते ही सिया ने कुछ सोचते हुए अपने गार्ड चुन्नीलाल को बुलाया और उसे कहा, क्या तुम मुझे अभी सिटी हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? सिया का ऑर्डर मानकर चुन्नीलाल तुरंत सिया को लेकर वहां से निकलकर सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया।
सिटी हॉस्पिटल पहुंचकर सिया उस कमरे में जाने लगी जहां नंदिनी का मर्डर हुआ था, तो एक पुलिस कांस्टेबल जो उस रूम के सामने खड़ा था उसने सिया को अंदर जाने से मना कर दिया। तभी सिया ने उसके आगे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, देखिए सर, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं अंदर नहीं गई तो मैं अपने बेकसूर राघव को जेल से नहीं निकाल पाऊंगी। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए सर। आई प्रॉमिस मैं इस कमरे के किसी भी सामान को टच नहीं करूंगी। मैं बस एक बार इस कमरे को देखना चाहती हूँ। सिया को ऐसे हाथ जोड़ते देख बाहर खड़ा वो हवलदार अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोला, अरे मैडम आप हाथ मत जोड़िए। वैसे भी राघव सर के मुझ पर बहुत एहसान है। अगर आपके अंदर जाने से राघव सर की कोई मदद होगी तो मैं जरूर करूंगा। फिर भले ही मुझे अपनी नौकरी से हाथ क्यों ना धोना पड़े। वैसे भी राघव सर कोई मर्डर नहीं है, ये सब उस जाधव की चाल है, क्योंकि वो राघव सर से अपना बदला लेना चाहता है। हवलदार के यहाँ कहते ही सिया उस कमरे के अंदर आई और उस कमरे में चारों तरफ घूम घूम कर वहां कुछ खोजने लगी। लेकिन उस कमरे में कोई भी खिड़की दरवाजा कुछ भी नहीं था, पूरा कमरा एकदम बंद था, इसलिए किसी के भी बाहर से आने जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तभी सिया की नजर ऊपर एसी डक्ट पर गई। उसे देखते ही सिया समझ गई कि हो ना हो कातिल इसी रास्ते से अंदर आया होगा। फिर सिया उस कमरे से बाहर आई और अस्पताल के किसी सफाई कर्मचारी से एसी डक्ट के बारे में पूछते हुए बोली, भैया एसी डक्ट के अंदर से कोई रास्ता है क्या? वो क्या है ना, मेरा टोमी इसके अंदर घुस गया, अब वो पता नहीं कहां निकलेगा। सफाई कर्मचारी ने मुंह में पान चबाते हुए बोला, अरे मैडम घबराती क्यों हो, वो रास्ता इतना चौड़ा है कि उससे कोई जानवर तो क्या, इंसान भी आसानी से आ जा सकता है। वैसे भी डक्ट का रास्ता नीचे पार्किंग में जाता है, आपको आपका कुत्ता वहीं मिलेगा। इतना सुनते ही सिया के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए दौड़कर बाहर पार्किंग की तरफ आ गई। राघव सिंघानिया का गार्ड चुन्नीलाल भी सिया के पीछे पीछे बाहर पार्किंग में आकर उस डक्ट के रास्ते के बाहर छानबीन करने लगा। तभी चुन्नीलाल की नज़र एक ड्रम के पीछे पड़े किसी सेल फोन पर गई। चुन्नीलाल ने तुरंत उस फोन को उठाया और उस सेल फोन की तरफ घूरते हुए बोला, ये फोन तो नंदिनी मैडम का है, लेकिन ये यहाँ कैसे? चुन्नीलाल के हाथ में नंदिनी का फोन देखकर सिया ने चौंकते हुए बोला, क्या ये फोन नंदिनी का है? इसका मतलब नंदिनी को मारने वाला कातिल इसी डक्स के रास्ते से अंदर गया और इसी रास्ते से बाहर आया और नंदिनी का फोन अपने साथ यहाँ ले आया और इस पार्किंग में गिरा दिया ताकि किसी को कोई सबूत ना मिल सके और सारा इल्जाम राघव के ऊपर आ जाए। तभी सिया ने नंदिनी के फोन को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन फोन पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, इसलिए सिया ने चुन्नीलाल को उस फोन को तुरंत ठीक करवाने के लिए बोला और वहां से वापस आ गई। चुन्नीलाल सिया का कहना मानकर वहां से चला गया और लगभग एक घंटे बाद वापस आकर नंदिनी का फोन सिया के हाथ में देकर बोला, ये लीजिए मैम, नंदिनी मैडम का फोन अब एकदम ठीक है। सिया ने जैसे ही नंदिनी का फोन ऑन किया तो उस फोन पर सिया ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर सिया की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर सिया ने नंदिनी के फोन पर ऐसा क्या देखा जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया? क्या सिया ने नंदिनी के फोन में कातिल का चेहरा देखा या कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।